नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन सीक्वेल के बारे में। सीक्वेल इंजेक्शन के अंदर है। तो ये इंजेक्शन आता है जाइडस कंपनी का आता है सीक्वेल। इस इंजेक्शन के अंदर ट्रिपल रो प्रोमोजिन नाम का साल्ट आता है, जिसे हमें जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग में लेते हैं। इस इंजेक्शन को कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है अनसेफ है, कितनी इसकी डोज देनी चाहिए, अगर इसकी डोज ज़्यादा लग जाए तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, किस प्रकार से इसे उपयोग में लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। ये जाइडस कंपनी का आता है सीक्वेल और 5 ml की वायल के रूप में उपलब्ध होता है। इस इंजेक्शन को उपयोग लोकल और जनरल एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। पशु को शांत करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग करते हैं। अब इस इंजेक्शन को हम कौन कौन सी डिजीज में उपयोग में ले सकते हैं? तो प्रोलेप्स किसी भी प्रकार का हो, चाहे प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो, चाहे रेक्टम का प्रोलेप्स हो, किसी प्रकार का प्रोलेप्स हो, उसमें हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और इसे जब पशु ब्याया है और उसका बछड़ा मर गया है, पशु दूध नहीं दे रहा है या बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, तो उस स्थिति में भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन को हम फ्रैक्चर, जब पशु के किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाए, तो उसे फ्रैक्चर का जब हम पीओपी करते हैं या किसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस स्थिति में हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अब इस इंजेक्शन को यूज में लेने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे इंजेक्शन को उपयोग में लेना पड़ता है, क्योंकि यह एक एनेस्थीसिया के रूप में काम करता है। तो इसकी अगर डोज ज्यादा लग जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है, पशु की बीपी लो भी हो सकती है, जिससे पशु कोमा में भी जा सकता है, और अगर इसकी डोज ज्यादा लग जाए तो पशु को डायरिया भी हो सकता है, और भी कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस इंजेक्शन को जहां आवश्यकता हो वहीं उपयोग में लेना चाहिए, और इसकी डोज को हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसकी डोज की बात करें तो इस इंजेक्शन को हमें बड़े पशुओं के अंदर, कैटल बफेलो या जो कैटल कैटेगरी के अंदर आते हैं गाय भैंस, उसके अंदर हम इस इंजेक्शन की डोज 100 kg/1 ml के रूप में उपयोग देते हैं। 1 ml इंजेक्शन की डोज लेनी है हमें अगर पशु का वजन 100 kg है। अगर 500 kg है तो 5 ml उपयोग में ले सकते हैं, अगर 400 kg है तो 4 ml उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह से इसकी डोज को कैटल कैटेगरी के अंदर हम उपयोग में लेते हैं, और घोड़ों के अंदर पर 100 kg में हमें 1 से 1.5 ml उपयोग में ले सकते हैं। और इसकी डोज अगर भेड़ बकरी में बात करें तो पर 100 kg 0.5 ml। अगर पशु लगभग भेड़ बकरी 50 kg की होती है तो उसे 0.25 ml उपयोग में ले सकते हैं। जहां तक संभव हो भेड़ बकरियों में इसे इंजेक्शन से बचना ही चाहिए, क्योंकि इसकी इतनी कम डोज हम उपयोग में बहुत ही कम स्थिति में ले सकते हैं, तो इसलिए इसकी इसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और सुअर के अंदर हम इसे 5 ml उपयोग में ले सकते हैं, और डॉग के अंदर हमें, डॉग बिल्ली के अंदर हम इसे वोमिटिंग यानी उल्टी रोकने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं, तो उसके अंदर हमें 1 से 2 ml उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसकी डोज डिवाइडेड की गई है। और इस इंजेक्शन को उपयोग में लेने से पहले सावधानी पूर्वक ही उपयोग में लेना चाहिए, और पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए, खुद डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर खुद उपयोग में लेते हैं तो इससे कई प्रकार की परेशानियां भी हो सकती है। जो ये इंजेक्शन आता है सीक्वेल, जो वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है सीक्वेल इंजेक्शन, जो ये इस प्रकार से जाइडस कंपनी का आता है, 5 ml की वायल के रूप में उपलब्ध होता है। अब इस इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो इसे हमें लोकल एनेस्थीसिया, अगर हम किसी प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी हम इसे लोकल और जनरल दोनों प्रकार के एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। जब पशु को किसी प्रकार से हमें उसका कास्ट्रेशन करना है या सींग सेकना है, छोटे बच्चों में सींग सेकते समय भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये इंजेक्शन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इस इंजेक्शन को उपयोग में लेने से पहले सावधानी बरतनी बहुत ही अनिवार्य है। और इस इंजेक्शन को हम उपयोग में लेते हैं तो इसे जहां हमें जरूरी हो, जहां इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, वहीं उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको हर स्थिति में उपयोग में ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस इंजेक्शन को हम उपयोग में
लेते हैं तो ये प्रेगनेंसी के लिए वैसे तो सेफ है, प्रेगनेंसी कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं करता है, लेकिन अगर इसकी लंबे समय से हम उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में ये प्रेगनेंसी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। अब लास्ट में हम शॉर्ट शॉर्ट में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो इसे हमें प्रोलैप्स में उपयोग में ले सकते हैं, फ्रैक्चर में हम उपयोग में ले सकते हैं और दूध उतारने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। ये तो है इसके मुख्य उपयोग। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसे डायरिया हो सकता है, पशु कोमा में जा सकता है अगर इसकी ज्यादा डोज लग जाए तो, और ऐसे पशुओं में और भी कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा डोज लग जाती है तो पशु की मौत भी हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और हम जो भी इंजेक्शन के बारे में आपको बताते हैं वो सब प्रैक्टिकली रूप से बताते हैं, जो ये इंजेक्शन है जो आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं ये केवल आपकी सुविधा के लिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि इस प्रकार से शिकवी लाता है और ये इसके उपयोग है। और हम इंजेक्शन के बारे में कोई भी भ्रांति बाकी नहीं भ्रांति नहीं फैलाते हैं, सिर्फ जो पता है हमें और जिस उपयोग में हम देते हैं वही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी किसी भी प्रकार से फेक नहीं है, मतलब झूठी नहीं है। जो भी बताते हैं वो एकदम सच है और जो उपयोग किया हुआ वही बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे वैसे आलतू फालतू चीज बता दी। हमारे चैनल पर कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं है, और भी इंजेक्शनों के बारे में वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में पता भी कर सकते हैं कि सच है या झूठ है। तो झूठी कोई भी बात नहीं है, जो भी हम इंजेक्शन के बारे में जानकारी बताते हैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो हमको जहाँ तक पता है वहां तक आपको बताने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको पहुंचाते हैं। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको वेटनरी के बारे में या वेटनरी इंजेक्शनों के बारे में जानकारी चाहिए उन तक पहुंचाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।